नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुलानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएमएलए 2002 एक्ट के बारे में। दोस्तों पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दोस्तों ये एक्ट 2002 में अटल जी की सरकार ने लागू किया था। दोस्तों इस एक्ट को आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा कि 1980 के लगभग अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का नाम उजागर हुआ, यानी उस समय अमेरिका में काफी लोग ब्लैक मनी के धंधे में लिप्त थे तथा ड्रग्स से, जुए से, करप्शन से, एक्सटोर्शन से, इस तरह से काफी धन एकत्रित कर रखा था और उस धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक से व्हाइट करने में लगे हुए थे। तो दोस्तों 1980 में अमेरिका में ये काफी बड़ा चिंता का विषय था और धीरे धीरे यही चिंता का विषय भारत में आके हवाला के नाम से चर्चित हो गया। और 1990 में आपको जैसा ध्यान होगा कि एक बहुत बड़ा हवाला केस हुआ था जिसके अंदर में काफी लोग लिप्त पाए गए थे और जो हवाला डायरी केस के नाम से प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों उस केस के बारे में फिर एक केस और आया, हर्षद मेहता का केस, और हर्षद मेहता का केस आने के बाद से ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी पिक्चर में आई और उस समय मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या काफी विकराल रूप धारण कर लिया था और उसी को देखते हुए सरकार ने, अटल जी की सरकार ने 2002 में इस एक्ट को लागू किया। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में भ्रष्टाचार द्वारा, रिश्वत द्वारा या फिर एक्सटोर्शन या गलत कामों द्वारा या फिर ड्रग में लिप्त या ब्लैक मनी किसी भी तरह से कमाई गई हो और वो कमाई गई जो पूंजी है जो ब्लैक मनी कहलाती है उसको अन्य अन्य प्रक्रियाओं द्वारा व्हाइट मनी में तब्दील करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। दोस्तों ये लॉन्ड्रिंग जो शब्द है वो लॉन्ड्री से आया है, यानी लॉन्ड्री में जब हम डर्टी कपड़े देते हैं और उसके बाद वो साफ होकर आते हैं तो इसी तरह से इसमें काला धन जो है इसमें प्रक्रिया में घूमता है और घूमने के बाद में फिर वो साफ होके व्हाइट मनी के रूप में लॉन्डरर जो कि इस धंधे में लिप्त है उसके खाते में आ जाता है। दोस्तों ये मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है? इसकी तीन तरह से प्रक्रिया होती है। एक है प्लेसमेंट, यानी सबसे पहले जो काला धन है उसको बाजार में लाना, यानी बाजार में उसका प्लेसमेंट करना। बाजार में प्लेसमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, वो स्टॉक के द्वारा भी कर सकता है, बॉन्ड के द्वारा भी हो सकती है, छोटी छोटी अकाउंट्स बैंकों में ट्रांसफर करने के बाद भी, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के बाद भी की जा सकती है। दोस्तों उस ब्लैक मनी को प्लेसमेंट के द्वारा मार्केट में लाना और उसके बाद में दूसरी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है लेयरिंग की। लेयरिंग का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, काले धन को चोरी छुपा के अलग अलग जगह पे उसको भेजना और उस काले धन को अलग अलग जगह भेजने में कुछ वर्ल्ड में जो कंट्रीज है जैसे दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, पनामा, बहामा, ये इस तरह की कंट्रीज है जहाँ पे आपसे कोई इंक्वायरी या क्वेरी नहीं करता कि आपके पास में ये पैसा कहाँ से आया। आप उन कंट्रीज में जाके इस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और आप उनको वहां पे जाके रियल एस्टेट में या किसी और धंधे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लेनिंग की प्रक्रिया में शेल कंपनियां बना के भी इस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। शेल कंपनियां मतलब हो गया कागजी कंपनियां जिनका धरातल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कागजों में है, सारे लेन देन कागजों में होते हैं, सारी ट्रांजेक्शन कागजों में होती है, सारी बिलिंग कागजों में, यानी उस शेल कंपनी में फिजिकली कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन है वही फिजिकली होती है, उसी में ही ये धन खपाया जाता है और उसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शेल कंपनियों के ऊपर में काफी शिकंजा कसा था और लगभग 2 से 3 लाख शेल कंपनियों को पिछले दिनों बंद भी किया गया। ये कंपनियां सिर्फ दोस्तों एक ऑफिस के एड्रेस पे चलती है, बाकी इसमें न व्यक्ति होते हैं, न मैन्युफैक्चरिंग, न सर्विस, न कुछ, और इवन इसके खाते भी सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तरह से बनाए जाते हैं, इसमें फिजिकली कुछ नहीं होता। इस तरह से दोस्तों लेयरिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में इसमें होता है इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण। एकीकरण की प्रक्रिया के तहत दोस्तों क्या होता है कि जब पैसा बाहर भेजा गया है उस पैसे को अन्य अन्य चैनल से इंडिया में मंगाया जाना और इंडिया में मंगाने के बाद में इसको स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, इस तरह से इसको इन्वेस्ट कर देना। लॉन्डरर अपने नाम से उसको इन्वेस्ट करता है और दोस्तों रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट ये इसके लिए हेवन है, यानी यहाँ पे आप कितना भी पैसा खपा सकते हैं, आपको जल्दी से पकड़ में नहीं आता। और मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों सबसे बड़ी टेढ़ी काम इसमें यह है कि इसमें आपको सोर्सेज नहीं पता चलता कि आपने कहां से पैसा चालू किया लगाना और कहां से वापस आया, यानी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी इतनी आसान नहीं होती और पकड़ में नहीं आता व्यक्ति। और इसके तहत सबसे बड़ी जो डेंजरस यानी खतरे वाली बात है वो ये है कि इसमें जो पैसा है वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो ड्रग्स में लग जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में लग जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लग जाता है। तो ये दोस्तों तीनों ही खतरे वाली घंटी होती है, तो इसलिए इसको सरकार को बहुत ही कड़ी नजर रखनी पड़ती है ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की फंडिंग का दुरुपयोग
भारत के खिलाफ ही ना कर ले। जो इंटीग्रेशन का मामला है वहां पे सारा का सारा धन जो है कई चैनलों से घूमता हुआ उसी लॉन्डर के खाते में आ जाता है और ये जो धन है वो ब्लैक मनी से चालू होता है और वापस आते आते इसके खाते में व्हाइट मनी के रूप में आ जाता है। दोस्तों इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए G7 के देशों ने भी एक FATF फोर्स का गठन किया जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसमें भी जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस हैं उनके ऊपर ही नजर रखी जाती है और कोई भी एक दूसरे को देश सहायता करने के लिए इसमें तत्पर रहता है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ये प्राय देखा जाता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि इसमें पकड़ में आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट है दोस्तों 2002 में आया लेकिन इसके बाद में इसमें 3 बार संशोधन किए गए 2005 में 2009 में और 2012 में और जो 2012 का जो लास्ट संशोधन है उसमें 15 फरवरी 2013 को ये पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हुआ। दोस्तों इसमें बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है और जो व्यक्ति या जो अधिकारी लॉन्डरर जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसकी सारी की सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों ईडी द्वारा की जाती है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ही एकमात्र एजेंसी है जो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। सरकार ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया हुआ, यानी ये केसेस जो है स्पेशल कोर्ट में चलते हैं ताकि इनकी जो डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी आ सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग में दोस्तों ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रोसेस है जो 3 स्तर पर प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के जरिए किया जाता है और उसके ऊपर में सरकार अपनी कड़ी नजर बनाए रखती है और इसीलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए RBI, RIDAI और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन SEBI हर तरह की बैंक्स, यानी इसके दायरे में पूरी इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कहीं से भी कोई व्यक्ति छूट ना सके। और बैंकों को भी सख्त हिदायत है कि 10 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और उनको विद इन 3 डेज जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में उनको डिटेल को भेजी जाए और अपने रिकॉर्ड को भी उनको हिदायत दी गई है कि कम से कम 5 साल तक जरूर रिजर्व करके रखें। 5 साल से पहले कोई भी अपना रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो इस तरह से सरकार ने भी इसके ऊपर में कड़े कदम उठाए हैं ताकि किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है रुक सके क्योंकि ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में सरकार काफी सचेत है और इसको रोकने के काफी हद तक प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।